तो चलिए हम आते हैं आपका 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर आपका फिफ्थ है वो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बोल रहा है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ द 9m। कौन कौन सा फॉर्म हो आपका 9m, 9m प्लस 1 के फॉर्म में हो और 9m प्लस 8 के फॉर्म में हो। ठीक है गाइस, तो ये क्वेश्चन है आपका 1.1 का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। ये क्या बोल रहा है कि आपका जो किसी भी जो नंबर का किसी पॉजिटिव इंटीजर का जो फॉर्म होना चाहिए, क्यूबिक फॉर्म होना चाहिए यूक्लिड डिवीजन लेमा से, वो क्या होना चाहिए 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 होना चाहिए। सो गाइस सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा जो तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम वही, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग लेट करेंगे। तो हम लोग क्या लेट करेंगे, लेट ए एन ई आपका क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, अगर ए आपका कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात हमें बी इक्वल्स टू मानना है। सबसे बड़ी यहाँ पर खेल यही होता है सर बी इक्वल्स टू क्या माने, क्योंकि जनरली क्या होता है, जैसा अगर हमें 3m प्रूफ करना होता है 3m प्लस 1 ऐसे करके, तो हम जो बी की वैल्यू को 3 मानते थे, तो क्या हमें यहाँ पर बी की वैल्यू 9 माननी चाहिए। बिल्कुल हम यहाँ पर 9 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट गाइस समस्या ये कि अगर हम 9 मानेंगे तो क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, जो कि 10th के हिसाब से नहीं और हमें जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ पर चूंकि हमें 1, 2 और 3 चीजें ही प्रूफ करनी है, 9, 9m+1, 9m+8, तो यहाँ पर हमें ज्यादा जरूरत नहीं मानने की, हम यहाँ पर 3 मान सकते हैं, क्योंकि 3 जो होता है उससे भी आपके 3 पोर्शन पे हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसलिए हमने बी की वैल्यू क्या मान लिया, 3 मान लिया है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए कॉस्ट टू क्या हो जाएगा गाइस, ए कॉस्ट टू आपका क्या होना चाहिए, ये हो जाएगा आपका 3q+r। अब आपको पता ही यहाँ पर q क्या हो सकता है आपका, q आपका क्या होगा, लेस देन और ग्रेटर देन आपका, या इक्वल्स टू भी कह सकते हैं, मतलब जो q की वैल्यू है वो 0 या 0 से बड़ी होगी, और चूंकि वो कितनी बड़ी होगी तो आपको पता ही है कि वो 3 से ज्यादा नहीं हो सकती है। तो r इक्वल्स टू क्या होगा आपका, r इक्वल्स टू हो जाएगा 0, 1 और 2। ठीक है गाइस, क्योंकि यहाँ पर 3 है तो इसलिए 0, r की वैल्यू 1, ये 0 या 2 से ज्यादा नहीं हो सकती है, ये आपको पता है। तो अब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे, तो चूंकि आपको पता ही है कि हम r इक्वल्स टू अगर 0 रखते हैं, क्या रखते हैं, r इक्वल्स टू 0, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3q। अब चूंकि मुझे क्यूब निकालना है तो ये हो जाएगा a क्यूब इक्वल्स टू 3 क्यूब का होल क्यूब। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको होल क्यूब करें तो जाएगा 3 3 9 27 q³। तो मैं इस, मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, सिर्फ 9m चाहिए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 9 × 3 qm। तो ये इस जिस पूरे को मैं एक कॉन्स्टेंट सपोज कर लूंगा जो आपका हो जाएगा m। ठीक है गाइस, अब जैसे मेरे को r इक्वल्स टू क्या रखना है, यहाँ पर 1 रखना है, क्योंकि आपका r इक्वल्स टू 0 हो चुका है, 1 रखेंगे तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फिर आपका, ये यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे तो जाएगा आपका 3q+1 हो जाएगा। तो दोनों तरफ मुझे क्यूब करना है होल क्यूब, क्योंकि मुझे क्यूब के फॉर्म चाहिए, तो ये क्यूब कर दिया। अब आपको फॉर्मूला रखना पड़ेगा यहाँ पर, कौन सा फॉर्मूला है, वो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है गाइस, वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² गॉट इट। तो ये हमें रखना है यहाँ पर, तो 3a³। तो आप ध्यान से देख सकते हैं क्या हो जाएगा आपका, 3 क्यूब का होल क्यूब मतलब a क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3a² मतलब 3 क्यूब का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस आपका 3 q³ × 1 का होल स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो ये हमने फॉर्मूले में रख दी क्या वैल्यू, तो आप देख रहे होंगे, तब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा 27 q³ + 1 प्लस यहाँ पे 3 3 9 9 3 27 q² और ये हो जाएगा 3 3 9 q। तो इसको अगर मैं तरीके से जमाऊंगा तो हो जाएगा 27 q³ + का 27 q² + 9q+1। सो गाइज यहाँ पर आप इन तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है, आप ध्यान से देख सकते हैं कि 9 कॉमन आ रहा है, तो 9 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, ये 3q बचेगा और ये आपका बचेगा, ये भी 3q² बचेगा और ये सिर्फ क्यूब बचेगा और यहाँ पर प्लस 1। तो गाइज ये पूरा क्यूब का, इसको मैं एक अनदर कॉन्स्टेंट मानूंगा, तो इसको फिर से हमें एम ही सपोज करना, तो जाएगा 9m+1। अब मेरे को एक और वैल्यू रखनी है, r की वैल्यू क्या रखनी है, r = 2 रखना है। सो हियर इज गाइज ए इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, ये हो जाएगा 3q+2 का होल क्यूब। तो इसका फॉर्मूला वही a³ + b³, तो a³ + b³ मतलब यहाँ पर आपका 2 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3, ये हो जाएगा a² और b हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 3ab² मतलब कि यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा गाइज।
तो क्या होगा आपका, ये हमारा थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3 3 9 9 3 वो 27 क्यूब प्लस ये हो जाएगा 8 प्लस 3 3 9 9 3 27 प्लस 2 इंटू 4 49 क्यूब स्क्वायर, और ये आपको हो जाएगा 2 2 4 3 3 9 9 4 36 क्यूब हो जाएगा आपका ये। तो फिर से इसको मैं तरीके से जमाऊंगा तो ये हो जाएगा 27 क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यूब प्लस 8, तो ये क्या हो जाएगा गाइज आपका, यहाँ से तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है आप ध्यान से देख सकते हैं, तीनों में से सिर्फ 9 ही कॉमन आएगा, तो ये जाएगा 3 क्यू क्यूब प्लस ये हो जाएगा 9 6 54 और 9 4 क्यूब प्लस क्या चल रहा है 8, यहाँ से तो कुछ कॉमन आएगा नहीं, तो इस पूरे क्यू के फंक्शन को मैं कॉन्स्टेंट मानूंगा तो इसको एम मान लिया प्लस 8 हो गया। तो गाइज आप देख सकते हैं कि हमने तीनों फॉर्म प्रूफ कर दिए, तो पहले एक फॉर्म प्रूफ किया 9m + 8 फॉर्म प्रूफ कर दिया, ऊपर हमने क्या करा था इसको हमने 9m प्रूफ कर दिया था गाइज a cos 2, और यहाँ पे दूसरा हमने क्या फॉर्म प्रूफ कर दिया था a cos 2 9m + 1। तो चूंकि हमें यही प्रूफ करना था कि कोई भी जो नंबर है आपका पॉजिटिव इंटीजर उसका जो क्यूब होगा वो किस फॉर्म में रहेगा 9 9m + 1 9m + 8। तो फिर गाइज आपको समझ में आया होगा, तो अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें।